ऐसे कमाल के टोटके जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। उल्टे पांव चले और अपनी सबसे बड़ी परेशानी भगाएं। अगर कान में पानी चला जाए तो कोई दवा हरगिज इस्तेमाल ना करें, बल्कि उल्टे पांव चले कान से पानी निकल जाएगा। गुलाब की पत्तियां सूंघने से औरत की छाती खूबसूरत हो जाती है। शहद को दही के साथ खाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। जिनके नाखून टूट जाते हो वो सिंघाड़ा लेकर उसका पाउडर बना ले। एक चम्मच एक ग्लास दूध में मिलाकर एक टाइम पिए, 1 महीना इस्तेमाल करें। इसके अलावा लीमू के छिलके नाखून पर रगड़ा करें। टूथपेस्ट का हैरत अंगेज इस्तेमाल। टूथपेस्ट का इस्तेमाल चेहरे पर उभरने वाले दानों और मुहासों से जल्द निजात दिलाने का मौसर तरीका है। थोड़ी मिकदार में टूथपेस्ट लेकर उसे दानों और मुहासों पर लगाएं, फिर चेहरा धो लें। चंद ही मरतबा के अमल के बाद हैरत अंगेज नतीजे बरामद होंगे। 15 मिनट हंसना आपके जिस्म के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना 2 घंटे तक सोना। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स से खारिज होने वाली नीली रोशनी से मखसूस हार्मोन्स की सतह बदल सकती है, जिससे कबल अज वक्त बलौहत का खतरा बढ़ जाता है। किसी मशरूब को पीने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल आपके चेहरे पर लकीरें और झुर्रियां पड़ने का सबब बनता है, और ऐसा सिगरेट पीने वालों के साथ भी होता है। नारियल के पानी से मुंह धोने से जिल्द जवान रहती है। अंडे उबालने के बाद ठंडा करके ना खाएं, वरना मतली और दमा की बीमारियों में मुबतला हो सकते हैं। पेट दर्द के लिए काला नमक इस्तेमाल करें। कान के दर्द से निजात के लिए आसान हल, जिसको भी कान में दर्द रहता हो या सुनाई कम देता हो, वो कड़वे बादाम का तेल 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम को कान में डाले, दर्द फौरन गायब हो जाएगा। गला बैठ जाए तो शलजम को पानी में उबालकर इसका पानी पी लें। जिस्म के पोशीदा हिस्से अगर काले पड़ गए हो तो उन पर टूथपेस्ट में लोशन मिलाकर लगाएं। चंद मिनट में तमाम बीमारियां खत्म। रात को सोने से पहले 3-3 मिनट दोनों पांव के तलवों का सरसों के तेल से खूब अच्छी तरह मसाज करें और हैरत अंगेज फवायद पाएं। क्या आप भी छिपकलियों से डरती हैं? घर से छिपकलियां भगाने का बेहतरीन टोटका ये है कि एक सफेद कागज पर चूना, नसवार और तंबाकू हम वजन लेकर उन्हें मिक्स कर लें और घर में उस जगह रखें जहां से छिपकलियां घर के अंदर आती हैं। तंबाकू और नसवार की बू से छिपकली बेहोश हो जाती है, इसलिए उसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां नीचे कोई खाने पीने वाली चीज ना हो। इसे सफेद कागज पर रखना चाहिए। अगर आप अपने किचन में लाल बेग का दाखला बंद करना चाहते हैं तो किचन के कोनों में बोरिक पाउडर छिड़क दें। हाथों में जब कभी स्याही के धब्बे लग जाएं तो लीमू का रस हाथों पर रगड़ने से धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर पलंग और कुर्सियों में खटमल आ गए हो तो उनके नीचे अजवाइन की छोटी छोटी पोटलियां बांध दें। लीमू को अगर किसी कांच के बर्तन के नीचे ढक कर रखा जाए तो लीमू कई दिनों तक ताजा रहते हैं। नीम के सूखे हुए पत्तों को जलाने से मक्खियां और मच्छर भाग जाते हैं। घर में जिस जगह बहुत सारी चींटियां जमा रहती हो वहां अगर पिसा हुआ सुहागा छिड़क दिया जाए तो देखते ही देखते चींटियां गायब हो जाती हैं। पेट में ऐंठन और दर्द महसूस हो तो थोड़ी सी खालिस हींग पीस कर इसे रुई के फाई पर रखकर नाक पर रखें। इससे रुकी हुई गैस निकल जाएगी और दर्द ठीक हो जाएगा। 2 लौंग 1 चम्मच चीनी के साथ पीस कर गर्म चाय के साथ दिन में 2-3 बार फांक लेने से जुकाम में फायदा होगा। गले की खराश दूर होगी और सर का दर्द एकदम हल्का हो जाएगा। मट्टी का तेल अगर घर में किसी जगह गिर पड़े तो उस जगह को राख या सूखी मट्टी से रगड़कर पोंछ डालें, तेल की बू गायब हो जाएगी। बालों को ड्राई करने के लिए आज हम आपको घर में बाल डाई करने का तरीका बताएंगे जो निहायत ही आसान, सस्ता और मुजर केमिकल से बिल्कुल पाक है। नुस्खा बनाने के लिए आपको ये चीजें दरकार होंगी। इज़ा कॉफी 4 चाय के चम्मच, कंडीशनर आधा कप। आप कंडीशनर की जगह दही भी इस्तेमाल कर सकती हैं और कॉफी में आप नेस्कैफे के साशे इस्तेमाल कर सकती हैं।
ज्यादा खराब बालों के लिए कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहिए। इन दोनों इज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर ले, यहाँ तक कि कॉफी अपना रंग इसमें छोड़ दे, फिर अपने बालों पर लगा ले और शावर कैप पहन ले। 1 घंटा लगा रहने के बाद शावर कैप उतारिए और सर को झाड़ लीजिए। अब ताजा पानी की मदद से सर धो लीजिए। याद रहे कि शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप पहली बार इस अमल को कर रहे हैं तो ये अमल आपको मुसलसल 2 दिन करना होगा। पहले दिन कलर कम होता है, दूसरे दिन आपको मतलूबा नतीजे मिल जाएंगे। इस नुस्खे से आपके बाल स्याह चमकदार हो जाएंगे, रिजल्ट में महंगे से महंगे हेयर कलर को मात देता है। लटकती हुई चेहरे की जिल्द के लिए आलू 1 अदद, कद्दूकस किया हुआ, सूख अनार का रस 1 पाव, लीमू का रस 2 चाय के चम्मच, तमाम चीजों को बर्तन में डालकर मिक्स कर लें और 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाने के बाद धो लें। इस मास्क का इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार लाजमी करें। इससे लटकी हुई जिल्द टाइट होने के साथ ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, कील मुहासे भी दूर हो जाएंगे और साथ में रंगत भी साफ हो जाएगी। कमर दर्द की अब छुट्टी। कीकर के पत्ते जो नए निकलते हैं उनको तोड़कर छांव में खुश्क कर लें, फिर इनको कूट पीस कर सफूल बना लें और 1 चम्मच पानी के साथ लें। कमर दर्द के मरीजों के लिए बहुत ही फायदा मंद है। शोहर के गुस्सा से तंग बीवी तो जरूर पड़े। गुसीले शख्स के गुस्से को खत्म करने के लिए इसे जब भी कोई खाने की चीज दे तो उस पर 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 1 दफा दुरूद शरीफ पढ़कर दम करके दे, इंशाल्लाह उसका गुसीलापन खत्म हो जाएगा। बदहाजमी खत्म, मोटापा खत्म, जिस्म फिट। अगर खाना खाने से पहले 2 चम्मच शहद में थोड़ी सी दालचीनी डालकर खा ली जाए तो खाना जल्दी हजम हो जाता है। अगर पेट भर कर भी खाया जाए तब भी इसको हजम कर देता है। इससे मोटापा भी दूर होता है और जिस्म भी फिट रहता है। एक तहकीक के मुताबिक रोजाना शहद के साथ 1 चमचा दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करने से हड्डियों के दर्द में कमी वाकई होती है। पुदीने का इस्तेमाल करें। पुदीने के इस्तेमाल से ना सिर्फ मतली और सर में दर्द का खात्मा होता है बल्कि ये सीने की जकड़न, हलक और फेफड़ों की सोजिश को दूर करता है। पुदीने का रोजाना इस्तेमाल दमे के मरीजों के लिए कारआमद है। अगर होंठों की साइड वाली जगह पक जाए तो आप खाना पकाने वाली लकड़ी की डोई उसको उल्टा नीम गर्म करके पकी हुई जगह पर लगाएं, यानी टिकोर करें, चंद बार करें, इंशाल्लाह होंठों की साइड वाली जगह ठीक हो जाएगी। कौन सी दाल किस काम आती है? अरहर की दाल गर्मी का असर दूर करती है, उर्द की दाल खाने से गोश्त भरता है, मूंग की दाल बुखार के दौरान आराम पहुंचाती है, मसूर की दाल पेट की बीमारी में फायदा करती है, चने की दाल खून की रवानी को नॉर्मल रखती है। बाल लंबे करने का राज, बालों को लंबा करने के लिए तिलों का तेल लेकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और अंडा शामिल कर लें और दही मिलाकर सर पर लगाएं, खुश्की खत्म होगी और बाल लंबे स्याह हो जाएंगे। बच्चे पर माँ की गिजा के असरात, माओं को चाहिए दौरान हमल के आखिरी महीनों में खजूर खाएं ताकि उनके बच्चे खुश इखलाक और बुर्दबार हों। हामला औरतों को ताकीद करो कि वही दाना खाएं ताकि उनके बच्चे खुश इखलाक हों। जो हामला औरत खरबूजा खाएगी उसका बच्चा खूबसूरत और खुश इखलाक होगा। बा इखलाक और खूबसूरत बच्चा पैदा करने के लिए औरत को नाशपाती खिलाएं।